अब सब लोग पूजा करेंगे अपने आप में। इतना भीड़ था, आपको ढूंढना मुश्किल था इतने भीड़ में। अभी लोग चल दिए हैं क्योंकि कल सांप टूटने का बहुत डर रहता है दोस्तों यहाँ पे। फैमिली जी, कल आप लोग देखे थे कि हम लोग यहीं पे वीडियो एंड किए थे और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तो स्वागत करते हैं फिर से आप सभी को हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अभी है नवरात्रि की टाइम, तो सब लोग चल रहे हैं नवरात्रि के लिए कलश स्थापना, कलश भरने के लिए। और अभी देखिए पीछे पीछे बीमो भाभी सब आ रही है, सुहाना भी रेडी हो चुकी है। सुहाना हेलो बोलो सभी को। हेलो, हो गया। कितना हल्ला कर रहे हैं बच्चे लोग। ये है मेरे गाँव, देखे दोस्तों मेरे गाँव का पोखरा और गांव के ये घर आंगन प्रांगण कह सकते हैं। और अभी दिखाते हैं फिर से आप सभी को बीमू को, और हमारे साथ है हमारे बड़े भाभी जी। हाँ, भूख लगी है कि नहीं? नहीं लगी है। गांव में हो, घूंघट कर लो। गिर जाओगी। अच्छा, ज्यादा घूंघट मत करना, ठीक है? सर पे पल्लू रहे इतना ही। ओके, तो आगे आगे भाभी जी और बीमू जी चल रही है। ए, साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। चलो, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों मंदिर के प्रांगण में ना। और सुहाना को देखिए, जय माता दी बोलो बेटा। देखिए दोस्तों, ये है हमारे मंदिर। तो यही है दोस्तों हमारी दुर्गा माता जी की मंदिर, और यहाँ पे सभी लोग प्रणाम करके अब चल दिए हैं कलशा भरने के लिए नदी की तरफ। और आपको मैं दिखाता हूँ अब ऊपर से कि कैसा है हमारे जहाँ पे मेला लगता है, नवरात्रि की व्रत होती है। तो देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितने सारे भीड़ में, इतने बड़ी संख्या में सभी महिलाएँ इस गाँव की इकट्ठे एकजुट होकर के जो है कलश भरने के लिए नदी की तरफ चल दिए है। और मैं इतने बड़े बिल्डिंग के ऊपर से सिर्फ वीडियो शूट करने आया था। और फिर से देखिए सब इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि बीमू बताई हुई थी कि एक घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वही इंतज़ार चल रही है। फिर मैं नीचे आ गया, और नीचे आते ही अच्छे से वीडियो शूट करने के लिए ट्रैक्टर देखिए जिस पे डीजे वजे लगा था, मैं इसके ऊपर चढ़ गया ताकि मैं अच्छे से सारे शूट करके दिखा पाऊँ। तो देखिए दोस्तों कितने भारी संख्या में सभी लोग जो है रेडी हो करके, तैयार हो करके गांव के बीचों बीच की जो सड़क है उस पर आस्ते आस्ते चलते हुए देखिए सभी लोग जय माता जी की नारा लगाते हुए चल रहे हैं नदी की ओर। देखिए आपको मैं दूर से भी दिखा रहा हूँ कितने सारे लोग, और इतनी भीड़ में कही होगी हमारी बीमू जी और एक भाभी जी हैं और एक और दीदी जी थी, सभी लोग इसी के अंदर होंगे। ढूंढ पाना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे इनको ढूंढना और आपको दिखाएंगे। मैं फिर नीचे उतर गया ताकि आपको अच्छे से और दिखा पाऊँ कि कितने सारे लोग जो है आए हुए थे, और अच्छे से मैं शूट भी कर पाऊँ सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगती है तो प्लीज़ जय माता जी कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अभी सभी लोग चल दिए हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और आपके वहाँ कैसे मनाते हैं, गांव में शहर में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस नदी से हम सबको जल भरना था कलश स्थापना के लिए, तो सब लोग यहीं इस नदी में पहुँच चुके हैं, और दो तरफ ही जो है सभी लोग बढ़ चुके हैं। देखिए इन बीच बीच पुल है, कुछ लोग इस पुल के इस साइड है, कुछ लोग पुल के उस साइड है। अब ढूंढना ये मुश्किल था मेरे लिए कि बीमू किस साइड है, क्योंकि जो भीड़ देखिएगा ना आप लोग, देखिए अब इतने भीड़ में बीमू जी को ढूंढ पाना, मेरे भाभी सबको ढूंढ पाना, दीदी सबको ढूंढ पाना बड़ा ही कठिन कार्य था मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने जो है कोशिश करा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। देखिए कितने ही शानदार लग रहे हैं दोस्तों देखने में, कितने इकट्ठे हुए सभी लोग, मज़ा आ रहा है देखने में। उतना ही मेरे को कॉल आया बीमू जी की कि मैं इस साइड हूँ, आप आ जाइए, तो फिर मैं इनको ढूंढने के लिए उस साइड चल रहा हूँ। तो फाइनली बीमू जी मिल गई यहाँ पे, देखिए तो मैंने आपको कॉल किया था तभी आए आप। हाँ हम बताए, और यहाँ पे भाई जी सबसे बातें कर रहे थे, दीदी भी है इन बीच में। हाँ, और हमारी बुआ की बड़ी लड़की। हाँ, और फिर यहाँ पे देखिए सब लोग जो है जल कलशा भर रहे हैं। हाँ, अभी भर लिए सारे लोग, जब भरेंगे फिर जाएंगे, काफी लोग थे तो हम लोग पहले भर लिए हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कलश को पूजा करेंगे भर लेने के बाद। और यहाँ पे भी मुझे देखने में काफी ही खूबसूरत लग रही थी दोस्तों, मैं यहाँ पे देखा था कि हाय मेरी बीमू कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत बहुत थैंक यू, पहली बार बोले आप। नहीं सच में मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी आप वहाँ पे, मैं तो देखे ही जा रहा था आपको। और यहाँ पे अभी पूजा कर रहे कलश की।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने श्रद्धा से सब लोग जो है कलशा भर रहे हैं नदी में। ये बड़ा नदी है, जब बारिश होती है यहाँ पे बहुत बड़ा बाढ़ आता है यहाँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ही पानी बह रहा है अभी। और यहाँ पे आप लोग देखे पीछे बीमू सब मेरे भाभी सब अभी कलशा भर रही है। जिस रास्ते से होके आए हैं ना उस रास्ते से डर नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब यहाँ से वहाँ से काफ़ी लंबा टूर है, ये लोग ऐसे घूम के जाएंगे। देखिए अभी आप लोग अगरबत्ती जला लिया गया है और सभी लोग को जो है बीमू जी सबको अगरबत्ती दे रहे हैं एक करके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब सब लोग पूजा करेंगे अपने अपने, जितने भी घैला है ना मिट्टी का घैला बोलते हैं यहाँ पे, जिसको कलश के नाम अभी दिया गया है ना इसको कलश कहते हैं। और इसमें कलश में सब लोग जल भर लिए हैं और अभी सब लोग पूजा करेंगे अपने अपने कलश को। फिर उठाने के बाद एक ही बार जहाँ माता रानी का प्रांगण है वहीं पर रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है बीमू जी पूजा वूजा कर लिए हैं। अब पूजा करने के बाद उस रंग दिए, उस रंग दिए नहीं अब उस रंग रही हो देखिए। हाँ। क्योंकि दीदी भूल के ऊपर चली गई थी तो मैं सबको उस रंग दिए ऐसे। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, माता रानी की कृपा आपको बनाए रखे। सभी लोग जो है अपना अपना कलशा भर लिए हैं, बीमू जी भी भर लिए है ना। इतना भीड़ था आपको ढूंढना मुश्किल था इतने भीड़ में। थैंक यू सो मच की कॉल किया, नहीं तो मैं उस तरफ ढूंढ रहा था। इस पुल है ना, पुल के उस तरफ में गया था पिछले साल की तरह। हाँ फिर अब जब कॉल किया तो मैं सीधा यहाँ पे आ गया। थैंक यू, ढूंढने में आसानी हुई। तो आपको हम दिखा दें यहाँ पे किस तरह से गांव में जो है नवरात्रि के व्रत मनाया जाता है। और सारा चीज़ दिखाने के बाद अभी मैं थोड़ा सा छाँव में आ गया क्योंकि बहुत धूप है। और देखिए वहाँ पीछे कितने सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं दोस्तों। वैसे कैमरा में इतना दिख नहीं रहा होगा शायद कि दिख भी रहा होगा, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं और बहुत श्रद्धा से मनाते हैं यहाँ के लोग नवरात्रि की व्रत। सब लोग अब कलशा ले लिए अपने अपने मुड़ी पे, यानी कि सर के ऊपर अपने अपने माथे पे ले लिए हैं कलशा। और देखिए बीमू जी भी वहीं पे हैं, तो दिखाते हैं आपको चारों ओर। सभी लोग अपना अपना कलशा अपने अपने माथे के ऊपर सर के ऊपर ले लिए हैं। कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैं कुछ वर्ड जो है गलत बोल देता हूँ, तो देखे दोस्तों हमारे लोकल भाषा में जो वर्ड होता है ना वो जो है आ जाता है मुँह में, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। फिर आप लोग जो वर्ड समझेंगे मैं वो भी कहने का कोशिश करते हैं। देखिए वहाँ से बीमू मेरे को इशारे कर रही है, बीमू अभी मेरे को इशारे कर रही है, अभी फिर इधर मुड़ गई। अभी लोग चल दिए हैं, अभी मैं 4K में वीडियो शूट कर रहा हूँ। सभी महारानियों को ये थोड़ा सा हम आपको खेत भी घुमा देते हैं। देखिए यहाँ चारों ओर खेत है गाँव की, और इस गाँव में कुछ बैल बकरिया गाय सब चल रहे हैं। और कलशा वाली सब जितने भी हैं सभी लोग आ रहे हैं, उस रास्ते से होके आए थे अब यहाँ से होके वापस जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, गांव का नज़ारा ही अलग है, मनमोहक कह सकते हैं, मन को भाता है यहाँ का नज़ारा। देखिए कितने स्पीड में सब चल दिए हैं, अब यहाँ से लाइन लगाएंगे क्योंकि कलशा टूटने का बहुत डर रहता है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए सबको यहाँ पे आप घेर करके दो लाइन में सबको निकालेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे अब सिर्फ दो दो लाइन निकालेंगे क्योंकि भीड़ हो जाएगा कलशा फूट जाएगा, इसलिए सिर्फ दो दो लाइन। देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठ हो गए हैं, उधर 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 सभी लोग चारों तरफ लोग सब हैं, सब कलशा वाले सब हैं। देखिए कितना हो हल्ला हो गया, ओ सिर्फ एक एक लाइन निकाल रहे हैं, पिछले साल दो दो लाइन निकाला था इस बार एक एक लाइन निकाल रहे हैं। हमारी बीमू भी निकल गई, देखिए यहाँ चलिए देखिए जंगल के बीचों बीच बीमू सब भाभी सब आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे शूट करता हुआ चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने ही अच्छे नज़ारे लग रहे हैं दोस्तों गांव के ना। हाँ, हरा भरा सारा कुछ ना, अभी से हम चल रहे हैं। अभी ये लोग यहाँ से चले जाएंगे दोस्तों, देखिए जा रहे हैं। मैं नदी पार कर लेता हूँ दोस्तों, और मैं नदी पार कर लिया। वो लोग जाएंगे उधर बहुत दूर से घूम के आएंगे, उन लोगों से पहले यहाँ शॉर्टकट है जाने की मंदिर की प्रांगण में, हम पहले पहुँच जाते हैं, उन लोगों को घूम कर आने देते हैं। देखिए लोग कहाँ से घूम के जाएंगे, ये इधर से इधर से इधर से, देखिए उधर सब लोग चल दिए हैं, तीन लोगों को जाने दीजिए। इधर देखिए गांव घर के लोग सब भैंसी चरा रहे हैं, क्या नज़ारा है यार गाँव में, नो टेंशन नो फिकर, वाह वाह क्या बात है। भैंसी में भी झगड़े लड़ाई होते हैं।
लोगों से पहले ही मैं पहुंच चुका मंदिर की प्रांगण में। अभी चलते हैं अंदर और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं हम माता रानी की, जितनी भी देवी देवताओं की मूर्ति बनी है यहाँ पे। तो पहले प्रणाम कर लेते हैं दरवाजे की और फिर एंटर करते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारे माता रानी की मूर्ति है, देवी देवताओं की मूर्ति है, जिनके अभी सभी के सभी सर जो है फेस छुपा हुआ है, अखबार से ढक दिया गया है सारे देवी देवताओं की चेहरा। अभी टाइम है, वक्त है खुलने में, आप दर्शन कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। अभी जो है खाली जगह देख रहे हैं आप लोग, यहीं पे कलशा बिठाएंगे और उससे बाहर निकलेंगे, कुछ कलशा जो है यहाँ पे होगा, कुछ वहाँ पे। तो फाइनली देखिए, सभी जो है कलशा वाली सब जितनी भी थी यहाँ पे महिलाएं, जिसने कलश स्थापना के लिए कलशा भरे हैं अपने सर के ऊपर भोग करके, आ चुके हैं मंदिर की प्रांगण में। और मैं फिर से छत के ऊपर से शूट कर रहा था, फिर नीचे आ गया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा दृश्य दिखा सकूँ, एक सिनेमेटिक सीन की तरह। फिर मैं अंदर गया और देखिए यहाँ पर सभी के हाथों से लेकर कलशा को यहाँ पर सब भगवान के प्रांगण में बिठाया जा रहा है। और देखिए कितने सारे भीड़ है, कितने ही भीड़ है दोस्तों। अंदर देखिए फिर यहाँ पर मूर्तियों के आगे भी कुछ कलशा को बिठा दिया गया है। और जैसे यहाँ से बाहर आएंगे कुछ कन्याएं हैं यहाँ पे, और फिर बाहर देखिए आप लोग यहाँ पे सभी कलशा को बिठाया जा रहा है। कलशा रख दिए भाभी सब वहीं पे, उन्हीं को देख रहे हैं कब आएगी, चली गई होगी क्या पता, नहीं वहीं पे है, वहीं पे है। देखिए ना, पता नहीं कहाँ, इतने भीड़ में कहाँ ढूंढे, आपको ढूंढ ली ये बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पे अब धूप सांस दिखाया जाएगा दोस्तों। तो मेरे भाभी और दीनू अभी दोनों लोग अगरबत्ती जला रही है। इतने भीड़ में ढूंढ पाना कलशा किसकी है, दीनू बोल रहे कि ढूंढ। आप सारा दिन आज कहाँ पे, यहाँ पे खेल रही थी, देखो क्या ला दिए माँ, देखो वहाँ पे, यहाँ आ गई सुहाना, क्या क्या है दिखाओ, समोसा खाती हो, समोसा। और दो समोसा है। हाँ और चौप। चौप। और दूसरा पन्नी देखो, दूसरा पन्नी, हाँ हाँ खाओ, आपके लिए ला दिए। अभी हम लोग घर आ गए हैं वापस, काफी भीड़ थी आप लोग देखे ही, और यहाँ पे बीमू जी भी अब खाएंगी, दिन भर बेचारी भूखी है। अभी पानी दिए हैं बीमू को पीने का, पानी पिए कि नहीं, पानी पी लिए हैं, शरबत पियोगी। यहाँ पे अभी सुहाना और सुहाना की दादी दोनों मिला के बीमू जी के लिए शरबत बना रही है। चीनी सुहाना, किसके लिए बन रहा है ये शरबत, मम्मी के लिए, नींबू पानी उसमें चीनी, हम तो नहीं पियेंगे, कपड़ा के दादी पियेंगे, और तुम और बाबा, और मैं, बाबा नहीं पियेंगे, बाबा नहीं पियेंगे।